तेणु एमती समय आसब अग्निर दाहक शक्तिल बौर प्रभु करीब हरण प्रभु निजे ये घोमा गोटे गोटे केमिकाल युद्ध जैविक अस्त्र युद्ध चल चलला समस्ते एकाशी देश ध्वंस विध्वस्त हो भारत में मोटे 38 कोटी लोक रही है 38 कोटी 815 लोक रही कारण प्रभु कृपा अच्छी समय आसुची एकम्र सनातन धर्म रमाणु बोमा जालाड़ी गारिमा शीतल हो बजाण से समय एवं आसनी 27 रु 31 भितर घोर तांडव बर्तन चलो महापुरुष कहते अग्निर दाहक शक्ति बौल प्रभु करीब हरण प्रभु किए निजे जगन्नाथ महाप्रभु भक्त पगल जोगी निश्चल कर्मी चंचल गुही जंजाल उतनाते बंधु भारी जा दुख करी पोसेबो एका मोर नाम गोटा को आगे जो समय आसुची भल ना समस्ते हुशियार हो जाओ सावधान हो जाओ महापुरुष को आश्रित हो जाओ महापुरुष नाम अतुत सर नाम पतका बांध नाम जप कर घरे घरे महापुरुष बाना उड़ाओ घरे घरे दीप प्रज्वलन कर अतुत सर पंचसखाशन नाम प्रचार कर अच्युत गोलकनाथ साक्षात विष्णु स्वरूप कलिजुगे विहरंच अष्टगुजरी प्रकाशित महापुरुष अचुनांद विद्यार्थ बोलांद कबार तेणु एमती समय आसब अग्निर दाहक शक्तिल बौल प्रभु करीब हरण प्रभु निजे ये घोमा गोटे गोटे केमिकाल युद्ध जैविक अस्त्र युद्ध चलो चलला समस्ते एकाशी देश ध्वंस विध्वस्त हो पृथ्वी में मोटे 135 कोटी लोक रे भारत में मोटे 38 कोटी लोक रे 38 कोटी 815 लोक रे तेणु आमको पचार आपड़ा केमी जाइले युवा आम कहीपरिनी जाइलुपर कारण प्रभुंर कृपा अच्छी समय आसुची एकम्र सनातन धर्म रनातन धर्म स्थापित बहुत धर्म ध्वजा उड़ाइबे सनातन धर्म स्थापित बहुत धर्म ध्वजा पंचसखा ग्रंथ सबुठ बरिष्ठ स्थाने स्थाने पूजा हेब राम रे स्थाने स्थाने मालिका वचन न होइब न पंच सखाकर वाणी राम रे पंच सखा नेमाल बटरे सरल पसिले पाइबु से नित्य बुने राम रे पाइबु दे तेणु ये पंचसखा ग्रंथ ठाबे ठाबे आधर हम विश्व आदर हम कलितांडव गीतार बलराम दास कहले जे परमाणु बोमा जालागे गारिमा शीतल हो बजाण ये बोमा जो चारे देश विदेश में पड़ चहल पड़ भारत राष्ट्रपति पकड़े तापर आसब कौन ना परमाणु बोमा शीतल हम अर्थ कौन ना एमती समय आसब जातिसंघर एमती गोटे पास हम शीतलीकरण हम अर्थ किए कौन से अस्त्र फुटे पारे ना शीतलीकरण हम परमाणु बोमा जालाड़ी गारिमा शीतल हो बजाण से समय एवं आसनी 27 रु 31 भितर घोर तांडव बर्तन चलो महापुरुष कहते अग्निर दाहक शक्तिल बौल प्रभु करीब हरण प्रभु किए निजे जगन्नाथ महाप्रभु जगन्नाथ महाप्रभु का जो ब्रह्मअस्त्र अच्छी से ब्रह्मअस्त्र केतेटा नमूना आपण मानक प्रत्येक अष्टगुजुरी नवगुजुरी आप पाठ करते से ब्रह्मअस्त्र से नाम आप प्रत्येक घरे घरे महापुरुष अच्युत ग्रंथ पाठ करूँ पंचसखा नाम प्रचार करूँ पंचसखा नाम दीप जालतु पंचसखा नाम प्रचार करूँ तेणु
निहाती गुरु आपणक आवश्यक आम से गुरुपीठ से आसीचे एवं ये सुधर्म महासंघर जो प्राण प्रतिष्ठा से मध्य प्रथम यही पंचशा ग्रंथर पंचशा प्रचार प्रसार आरंभ करते से कई जापारे कहीं बुझीपाले एमत अनेक चलला कारण समय अनुसार सब आस समय सामग्री एवं सामर्थ्य ये बर्तमान समय आसी संधि समय आसी ये हूँ अनंत युगर संधि समय यही समय विश्वर दरबार में अच्युत अनंत जशवंत बलराम जगन्नाथ ये पंचशा ग्रंथ ठाबे ठाबे पूजा पाइब पंचशा ग्रंथ को समस्त आदर पंचशा ग्रंथ पर आसवे तेणु कपिल से कहते बोर मध्य नित्य शास्त्र प्रवीणा सर्वद्रुव अच्युत शाश्वत ब्रह्म पद्मस्थित नाम कहू कपिल गोटे ग्रंथ बास्तरी खंड ग्रंथ महापुरुष कपिल लिखिं जो कपिल संहिता को लेकिन कपिल गोटे लिखिंट अच्युतानंद कुहुक गोटे ग्रंथ अच्छी कपिल संहित से कहते पद्म ये पंचशा भितर जो अच्युत महापुरुष रे अच्युत महापुरुष स्थान में जो मैंने आसवे शरण ने से क्षेत्र को जो मैंने आसवे कोटि पुण्य लाभ करेंगे बोलांद बार तेणु समस्ते जगह को आसु ये जगह हूँ गुरुपीठ आम भूली जाऊे तेणु आम जापारे आमर आज अभाग्य आम आज पूर्ववासना अच्छी आमर ना आम कहीं आसबे मुझे गोटे टपिक आपण मानक आरंभ कर भक्त हूँ पागल योगी हूँ निश्चल योगी जो योग साधन कर सी आ भक्ति मार्ग रही सी योग मार्ग रण आपत ये आक्ति पागल भाया का घर कौ दूर 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 आहापुरुष पीठ को टे नाम करने आपं भागे से पागल तो न रही भक्तर पागल अवस्था न रही से भिड़ी ये जगह को आसपर ना योगी निश्चल आपड़ी हरिकथा शुणुंट महापुरुष बाणी शुणुंट आपड़ कौ भाया शुणुंट योगी निश्चल योगी जमी हजार हजार वर्ष धरिकी तपस्या कै पंद्रह मिनट सत्संग हो कोड़े मिनट सत्संग हो पैंतालीस मिनट सत्संग हो आप दिय स्तर योगी जमी योग साधना कै आपण मैंने समस्ते से महापुरुष बाणी को शुणुंट तेणु आपण मैंने समस्त होती योगी बलानंद गवार किए अबा पार धरे किए अबा पार धरे किए अबा पार धरे किए अबा पार धरे किए धरी केवल भक्त ही धरी तेणु भक्त एकम्र धरी पार भक्त हेले पागल योगी हेले निश्चल आपण मैंने जी समय संसार चक्र आस जगार बसिले योग भाया निश्चल भाया हरिकथ को श्रवण कर समस्त योगी कर्मी चंचल इठू गला कहार जहाँ जहाँ कर्म अच्छी कह बिल कर्म अच्छी कह व्यवसाय कर्म अच्छी कह वृत्तिकाव कर्म अच्छी कह चाकरी कर्म अच्छी जार वृत्तिगत कर्म अच्छी कर्मी हूँ जंजाल कर्मी चंचल कर्मी को आप रखिपारे सी तार चंचल चंचलत कर्म क्षेत्र गृही हूँ जंजाल महापुरुष यही कहते पुत्र नाति बंधु बारी जा कौन कर पुत्र नाति बंधु बारी जा पोषु एकम्र पुत्र गृहस्थ धर्म पर कहते गोटे गृहस्थ सी भल भक्त हो पार भल योगी हो पार भल कर्मी हो पार एवं कर्मी गृहस्थ जंजाली भक्त पागल योगी निश्चल कर्मी चंचल गृही जंजाल तेणु गृहस्थ धर्म सर्वरक्षा गुरु ब्राह्मण सेवा दीक्षा गोविंद 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 पद गुरु ब्राह्मण सेवा दीक्षा गुरु गृहस्थ धर्म सर्वरक्षा गृह तेणु गृहस्थ धर्म तो रहा कह कहते पुत्र नाते बंधु भारी जा दुख करी पोषेव एका मोर नाम गोटा को रोदा पद गोटे पदरे महापुरुष संसार गोटे महत काम कह पृथ्वी एमती विरल ग्रंथ कई लिखि ना महापुरुष लक्षे छयाशी हजार ग्रंथ महापुरुष लिखिं
तन्मध्यर 318 खंड हूँ भविष्य ग्रंथ तेणु आम जो पीठ से बसीचे गुरुपीठ से आमर अहभाग्य आम से ही पीठ से बसीचे तेणु ये पीठ को आसतु आपण मैने ये पीठ से ही अनेक लीला हम अनेक लीला गुप्त चली तेणु ये गुप्त क्षेत्र में आम आसे क्षेत्र रु क्षेत्र हो बाहर क्षेत्र मन पीठ नाम क्षेत्र रु क्षेत्र हो बाहर पद्म मन पीठ नाम सही गो से पीठर महिमा सही गो से पीठर महिमा सही गो देव मानव टी देव मानव टी देव मानव टी हो देवना सही गो पीठवर महिमा पीठवर महिमा सही गो तेणु महापुरुष ये कलियुगर आपण मानक बावन खंड रास लिखे तार मुख्य होती वृंदा रास कार्तिक मास रे वृंदा रास अच्छी एवं बार मास रे बारोटी मंत्र अच्छी सी होती गुरुपद कथा बार मास रे कौ मास रे कौ कौ मंत्र पढ़ो महापुरुष सब सारी पाठ आउ किसी रखी ना महापुरुष तेणु आम ये क्षेत्र आज पहुँचे तेणु महापुरुष 500 वर्ष पूर्व कहते एकम्र सनातन धर्मर क्षेत्र जो क्षेत्र होती बाहर क्षेत्र होती जगन्नाथ क्षेत्र मूल संस्कृति है सनातन धर्म जगन्नाथ पुरुषोत्तम क्षेत्र ये शंख क्षेत्र गोटे क्षेत्र बाहरी से मध्य गुप्त नीला क्षेत्र वृंदावन श्री क्षेत्र यही गुप्त क्षेत्र कारण महापुरुष 500 वर्ष कहते क्षेत्र रु क्षेत्र होती बाहर गोटे क्षेत्र यही भाव क्षेत्र गोटे बाहर नेमाल पद्मवन पीठ जो देव मानव ओढ़ाई जाती तेणु ये भक्ति एकम्र दरकार हाँ भक्ति अटे अमूल्य धन बाळकारु कर जन भक्ति अटे बाल्य कालु आउ धर्म अर्थ गति श्री गुरु जानते धर्म अर्थ गति श्री गुरु चरणे पड़ तो मन सुमन चल मन जीवा सेतन चल मन जीवा सेतन चल मन जीवा सेतन चल मन जीवा सेतन मन थरे यही स्थान को आसिले आपण सब कथा भूली जीवे पूरी मंदिर भितर पशिगले आप पशिगले सब कथा भूली जाती जो मैंने नेमाल पीठ को आसवे ये क्षेत्र में एमती महिमा अच्छी आपण सब कथा भूली जीवे कारण प्रभु गुप्त क्षेत्र आम ये गुप्त क्षेत्र में समस्त आँचे तेणु ये सनातन आगक जो समय आसूँ भल ना समस्ते हुशियार हो जाओ सावधान हो जाओ महापुरुष आश्रित हो जाओ महापुरुष नाम अतुत सह नाम पतका बांध नाम जप कर घर घर महापुरुष बाना उड़ाओ घर घर दीप प्रज्वलन कर अच्युत सह पंचसखाशन नाम प्रचार कर अच्युत एकमात्र मूल साक्षी सनातन धर्म मूल उत्सव ही रे जहाँ महापुरुष कहते तेणु ये लक्ष लक्ष ग्रंथर नमूना जो आम इे साड़े बुलूचे भ्रमें पड़ुे तेणु महापुरुष को सनातन हूँ महापुरुष आश्रित हो जातु महापुरुष मार्गदर्शक परिचालित हूँ आज आम जो प्रतिष्ठा होती सुधर महासंघ आनुकूल्य सुधर महासंघ में आम समस्ते एकत्रीकरण रहीचे जहाँ को उद्देश्य तेणु से गुरु को उद्देश्य गुरु पीठ से महापुरुष पीठ से आम समस्त आज एक प्राण से एक मन में आम जाप करुचे नाम रटन करुचे तेणु से गुरु ही एकमात्र पथेय चाल मन जीवा चाल से गुरु चरण तले चाल मन श्री गुरु चरण तले चाल मन धर्म अर्थ काम मोक्ष धर्म लभिवार बेले चाल मन जीवा चाल श्री गुरु चरण तले चाल मन श्री गुरु पाद
ଫୁଟିଛି ପଦ୍ମ କମଳ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦ ତଳ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦ ଫୁଟିଛି ପଦ୍ମ ଚୁମ୍ବ ଯାଇ ଥର ଥର ଚୁମ୍ବ କୋଟିଏ କରେ ଜୁଆର ଚାଲ ମନ ଯିବା ଚାଲ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଚରଣ ତଳ ଚାଲ ମନ ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କ ସମାପନ ହେବା ଦରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ, କାରଣ ଶରୀର ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ, ମନ ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ, ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ସଂସ୍କାରର ଆବଶ୍ୟକ, ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ଜୀବନରେ ନିହାତି ଗୁରୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବୋଲାନନ୍ଦ କବାର। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଗୁରୁଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଛେ, ଗୁରୁପୀଠରେ ପହଞ୍ଚିଛେ, ଏବଂ ସୁଧର୍ମ ମହାସଂଘ ଯିଏ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଥିଲା ମାଧବ ବାବା, ଇଏ ସଂଘର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପ୍ରାଣପିତା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ରୂପେ ବରଣ କରିଛେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଏଇ ପଞ୍ଚସଖା ମାର୍ଗରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏ ସୁଧର୍ମ ମହାସଂଘ କେବଳ ମୋର ନୁହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର, ଏ ସନାତନ ଧର୍ମୀ ସମସ୍ତଙ୍କର। ଏଥିରେ ଅଚ୍ୟୁତ ଥିବେ, ଅନନ୍ତ ଥିବେ, ବଳରାମ ଥିବେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଥିବେ, ଯଶବନ୍ତ ଥିବେ, 64 ଗୋପାଳ ଥିବେ, ନାଗାନ୍ତି ଥିବେ, ବେଦାନ୍ତି ଥିବେ, ଯୋଗାନ୍ତି ଥିବେ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତି ଥିବେ, ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଏ ସନାତନ ଗୋଟିଏ ଛତା ତଳେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ରୟ ରହିବେ। ସିଏ ହେଉଛି ସନାତନ ଧର୍ମ, ଏବଂ ସେଇ ସନାତନ ଧର୍ମ ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ମାର୍ଗ ତଳରେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ରହିବେ। ଆଗକୁ ସମୟ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଛତ୍ରଛାୟା ରହିବେ ବୋଲି ଆନନ୍ଦ କବାର। ତେଣୁ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ର ଗୋଟିଏ କଥାରେ ଆମ ଜୀବନର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେବ କେତେବେଳେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କର ବରଣ କରିବା। ଗୁରୁଙ୍କର ବରଣ କଲେ, ଗୁରୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇଲେ ଜୀବନ ହିଁ ଆମର ସୁଗମ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ଏ ସୁଧର୍ମ ମହାସଂଘରେ, ଗୁରୁଙ୍କ ପୀଠରେ, ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପୀଠରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛେ। ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କ ସଦସ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ବୋଲନ୍ଦ କବାର। ଆହୁରି କବାର କହୁଥିଲେ ତ କହୁଥିବା, ତେଣୁ ଅନେକ କଥା ଏତିକି କହି ଆମର ଆଜି ଆମର ଅଛନ୍ତି ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ ହେବା ଅଛନ୍ତି ଆମର ଏକ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଚ୍ୟାନେଲ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ଜଣେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଭଲ ଲୋକ, ଯେମିତି ନାରଦ ଥିଲେ ବାର୍ତ୍ତାବହ, ଇଏ ସେମିତି ନାରଦଙ୍କ ପାଠ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି। ଇଏ ସବୁ ନାରଦ, ତାଙ୍କର କାମ ସବୁ ସେଇଆ, ଅର୍ଥ କ'ଣ ସବୁ ଯେତେ ମେଡ଼ିଆ ଧର୍ମର, ଇଏ କାହିଁ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି କଳା ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିଲି ପରା ସମସ୍ତେ ଆସିବେ, ତାଙ୍କର କାମ ହିଁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆଇନ କାମ କରିବା, କାହିଁକି ଇଏ ଆମ କଥା ନୁହଁ। ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି ସନାତନ ଧର୍ମର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଏମିତି ଆସିବେ, ସମସ୍ତେ ବାର୍ତ୍ତାଭାବ ଆସିବେ, ସେଠି ନହେବି ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ଆମର ପ୍ରକାଶ ହେବ ଯିଏ ଏକ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଅନେକ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଭଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବିଦ୍ୟାର୍ଥ ଗୋଟେ ହରିବଲ ଦେବା ବୋଲନ୍ଦ କବାର ଆହୁରି କବାର।